देश भर में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान शक्ति के नौ रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि हमारे देश का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे भारत के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जहां उत्तर भारत में नवरात्रि पर रामलीला का भी बेहद महत्व है, तो वहीं गुजरात में डांडिया और गरबा से माता का स्वागत किया जाता है। बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा को काफी भव्य अंदाज से मनाया जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, हर जगह नवरात्र पर माँ की भक्ति में भक्त झूमते नजर आते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको अलग अलग राज्यों में नवरात्रि किस तरह से मनाई जाती है इस पर विस्तार से बताएंगे। बिहार, असम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे वहां दुर्गा पूजा कहते हैं। यह पर्व पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि का पर्व छठे दिन से शुरू होता है, जिसे बोधन कहा जाता है। देवी दुर्गा को बेटी के रूप में माना जाता है और इनके आने पर नाच गाकर खुशियां मनाई जाती है। इस दौरान यहां बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, जहां देवी की विशाल मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इन राज्यों में मिट्टी से देवी माँ की प्रतिमा बनाकर उसे छोटे छोटे पंडाल में स्थापित किया जाता है। आप बंगाल, बिहार और असम में जगह जगह पर दुर्गा पूजा के दौरान माँ का पंडाल देख सकते हैं। गुजरात। गुजरात में नवरात्रि के नौ दिनों में अलग ही छटा नजर आती है। रात के वक्त विशेष रूप से लोग समूह में इकट्ठा होकर देवी माँ की उपासना करते हैं और उसके बाद डांडिया और गरबा खेलते हुए त्योहार का आनंद लेते हैं। इसे डांडिया रास भी कहते हैं। इन नौ दिनों तक गुजरात में रात में भी दिन जैसी रौनक देखने को मिलती है। परंपरागत वेशभूषा में जब हजारों लोग एक जैसे गरबा रास करते हैं, तो ये दृश्य अपने आप में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नवरात्रि का पर्व बतुकम्मा के रूप में मनाया जाता है। बतुकम्मा का अर्थ है माँ देवी जीवित है। ये त्योहार नौ दिनों तक बहुत ही धूमधाम से ही मनाया जाता है। इस दौरान फूलों से सात सतह से गोपुरम मंदिर की आकृति बनाई जाती है। बतुकम्मा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व देवी पार्वती को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। तमिलनाडु। नवरात्रि का पर्व बोमई गोलू या नवरात्रि गोलू के नाम से मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ परंपरागत गुड़िया दिखने लगती है। इन गुड़िया को 7, 9 या 11 के ऑड नंबर में लगाया जाता है। नवरात्रि के दौरान इन गुड़ियाओं की झांकी सजाई जाती है। लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं और भजन भी गाते हैं। माना जाता है कि ये परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। महाराष्ट्र। यहाँ नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है और देवी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान महाराष्ट्र में महिलाएं सुहागिन महिलाओं को घर बुलाकर उन्हें सुहाग की चीजें जैसे सिंदूर, बिंदी, कुमकुम आदि से सजाती हैं। यह नई चीजों को खरीदने के साथ किसी भी नया कारोबार की शुरुआत नवरात्रि में की जाती है। केरल। नवरात्रि केरल में अंतिम के तीन दिनों तक ही मनाई जाती है। इस दौरान यहाँ लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और देवी के चरणों में अपनी किताबें, पेन, पेंसिल आदि चीजें रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी सरस्वती की कृपा उन पर बनी रहेगी और उन्हें ज्ञान और सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।